हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम जिल्सन। तो आज हम बात करते हैं बच्चों की पॉटी के बारे में। क्या ये नॉर्मल है और किस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, इतना सब पैनिक होना चाहिए। तो बच्चे बहुत ही डिफरेंट होते हैं, उनका टमी बहुत छोटा रहता है, कभी वो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं तो कभी वो कम दूध पीते हैं, कभी वो जल्दी डाइजेस्ट करते तो कभी वो नहीं करते हैं, बहुत कुछ होता है। और तो इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि किस सिचुएशन में आपको आपको शांत बैठे रहना है और किस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू मॉम जंक्शन। सबसे पहली बात है कि कितनी बार बच्चे को पॉटी करना चाहिए। तो जो एक ब्रेस्टफीड बेबी होता है 0 से 3 महीने तक, तो ब्रेस्टफीड बेबी एक दिन में 7 बार या 7 दिन में 1 बार पॉटी करने वो एब्सोल्युटली नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ब्रेस्ट मिल्क इतना लाइट होता है कि फटाफट वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो मैक्सिमम उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनमें 7 दिन में 1 बार पॉटी करें या 1 दिन में 7 बार पॉटी करें, वो बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। दूसरा है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आज बच्चे की पॉटी का कलर येलो है, ग्रीन है, कैसे टेंशन को हम दूर करें, बच्चे की पॉटी का कलर क्या होना चाहिए। तो पेरेंट्स, इसका आंसर है कि बच्चे की पॉटी का कलर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि बच्चों की कि हमारी डाइट, पेट बढ़ रहे हैं, छोटे हो रहे, क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं है। तो डॉक्टर के एडवाइस माने तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे की पॉटी का कलर ब्लैक है, उनमें खून है, या बच्चे की पॉटी का कलर वाइट है, तो उस केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उस टाइम पे आप घर पे नहीं बैठ सकते, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए। तो तीसरी बात है कि पॉटी कैसी होनी चाहिए। तो पेरेंट्स, बच्चा पॉटी कभी कभी बहुत ही हार्ड होती है, कभी कभी बहुत ही पेस्टी टाइप होती है, कभी कभी बहुत ही पतली होती है, तो कोई बात नहीं, एक बच्चा है, एक अलग अलग तरीके से वो पॉटी कर रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा लूज मोशन करे जा रहा है, पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो आप उस टाइम पे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर से बात करके चेकअप करवा लेना चाहिए। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने सोचा कि आपको ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि हम जान सकते हैं कि एज अ पेरेंट्स हमारा बच्चा जब भी पॉटी करता है तब हम उसकी खुशियां मनाते हैं, तो हम जान सकते हैं कि कब पेरेंट्स के लिए खुशी की बात होगी और कब टेंशन की बात होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।